जाने इतरे माल के हुकी इकड़े पादे बेचारो कंदो ए भैया मैं जो है ना फस गए सिलवल में ना चढ़न दई गाड़ी ये देखें पैसे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल एस टी वी व्लॉग में हूँ मियाँ हुसैन लिगारी। आज 12 जो है ना रबीउल का जो है ना दूसरा जुमा है। अल्लाह पाक के करम से आए हुए हैं नमाज पढ़ने, यहाँ पीछे मस्जिद है यहाँ नमाज पढ़ेंगे। नमाज के बाद ही वीडियो जो है ना कंटिन्यू करेंगे। इस जुमे के सदके जो है ना अल्लाह पाक हर किसी के बिगड़े काम बनाए, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे और उनके सदके हमारे भी बिगड़े काम बनाए हमारे को भी हिदायत दें। तो जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट आए हुए उनको सब गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमाज हमने खैर से पढ़ ली, अभी खाना वाना हम सब दोस्तों ने खाया है। तो 12 रबीउल का आज दूसरा जुमा था ऐसे ना, तो इंशाल्लाह उसमें जो ना बहुत दुआएं भी मांगी जो ना इस महीने 12 तारीख को हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो इसके हवाले से दोस्तों से मैं ज़रा पूछूंगा कि उनकी रैली है क्यों नहीं। आज कौन सी तारीख है? आज 11 10 है ना, आज 10 से कल नहीं परसों हमारे यहाँ से रैली भी निकलती है टंडो जाम के लिए। और उधर हमारा जो है ना लंगर का होता है सिस्टम, हम लंगर भी खिलाते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या तैयारी की है। पहले अमजद तुम बताओ भाई। हमने जो है नए कपड़े सिलवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है वो 12 रबीउल अव्वल को हम नए कपड़े पहनेंगे और तैयार होकर घर से निकलेंगे इंशाल्लाह। जितने भी दोस्त हैं उन सबसे हमारी गुजारिश है कि भरपूर हमारी रैली में शिरकत करें, क्योंकि ये हमारे हुजूर पाक सरकार कायनात वाली है दो जहाँ हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो हम इंशाल्लाह ताला इसको भरपूर जोश और अकीदत से मनाएंगे इंशाल्लाह और इसमें शिरकत करेंगे। यहाँ से रैली की सूरत में हम निकलेंगे बाइकों पे गाड़ियों में सीधा टंडो जाम, और वहाँ पे लंगर का भी अहतमाम है टंडो जाम पुलिस ग्राउंड में इंशाल्लाह। वहाँ पे लंगर हम खिलाएंगे, वहाँ पे ड्यूटी है हमारी लंगर खिलाने की। तो हम सब दोस्तों को गुजारिश भी है और हमारी दावत भी है हमारी तरफ से कि टंडो जाम पुलिस ग्राउंड में आएँ 12 रबीउल अव्वल को सुबह 11 बजे इंशाल्लाह वहाँ पर लंगर का अहतमाम किया गया है इंशाल्लाह। आप भी शरीक होंगे ना सब इंशाल्लाह। और इधर भी संगत बैठी है। सजाद तू बलसी ना, हम भी शरीक होंगे। और तुम भाई इंशाल्लाह जोर शोर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाइकों पे जो है ना वीआईपी तरीके से और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब शरीक होंगे। देखने वालों को क्या बोलोगे? तुम्हारा भी YouTube चैनल था यार, तुम मेहनत भी नहीं कर रहे हो ना ही वीडियो बना रहे हो। बस क्यों? मैं यार छोड़ दिया क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने मेरे साथ उस चैनल में काम करना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने वो चैनल ख़त्म कर दिया। अभी हमारा यही चैनल है, बस यही एस टी वी व्लॉग है, यही हमारा चैनल है, इसी पे ही हमारे इंशाल्लाह सब वीडियो आते रहते हैं पहले भी और अभी भी। जो भी न्यू वीडियो आएगी वो भी इसी चैनल से। तो हम एस टी वी व्लॉग देखने वालों को तमाम दोस्तों को गुजारिश करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जितना हो सके दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अभी जो है ना हम जा रहे हैं दरगाह पे, अपने अबू की कब्र पे भी जाना है, वहाँ पे भी जो है ना दुआ मांगनी है। तो आज रबीउल का दूसरा जुमा है तो वहाँ जाना है। तो हम जल्द भी आज साथ है तो आज जा रहे हैं, पहले दरगाह पे होके आते हैं फिर जो है ना मिलते हैं। या मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरगाह का रास्ता है, ये दोस्तों की मेहनत है, नवाजिश है ज़मीर गोपांग की और अल्लाह जुड़ो खास केली साहब की, उनकी नवाजिश है जो उन्होंने ये बनाया है। ये हमारा कब्रिस्तान है साईं मियाँबादीन बखरानी। तो ये मैं आपको अंदर भी आपको दिखाता हूँ, चलते हैं आगे। ये देखें ये यहाँ नलका लगा हुआ है, सॉरी ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ लोग पानी बच्चे पी रहे हैं और ये हम बैठक वाला सिस्टम है, मतलब जब जनाजा वगैरह कोई लेके आता है जनाजा वगैरह तो यहाँ बैठते हैं। मैं अंदर आपको दरगाह भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगर कोई लेडीज ना हुई तो। ये हमारा कब्रिस्तान, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कब्रिस्तान है जो साईं मियाँबादीन के नाम से माशाल्लाह बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान है।
मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ बाबा की कब्र भी दिखाऊंगा ज़रूर और साईं की दरगाह भी दिखाऊंगा। ये दिख रहे हैं आप, बहुत ही पुरानी कब्रें हैं, बहुत ही कदीमी है। ये फकीर साहब वजू कर रहा है, तो ये वो दरगाह सामने मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा दरगाह का व्यू दिखा दूँ आपको, फिर अंदर चलते हैं दुआ मांगेंगे। ये देखें अंदर का, ये बाहर से व्यू है, ये है गेट, ये सामने आप देख रहे हैं, ये नाम लिखा हुआ है दरगाह का। अस्सलाम वालेकुम, मेरे कबूर, ये दरगाह का अंदर का व्यू है, माशाल्लाह देखें। और आज रबीउल का दूसरा जुमा मुबारक था, नमाज भी पढ़ी अल्लाह के करम से। ये अल्लाह का घर है, ये साइड में मस्जिद बनी हुई है और ये जो है ना दरगाह है। ये आप देख रहे हैं, ये बरसात की वजह से ना जो ये घास बड़ा हो गया है, ये बरसात हमारे पास पड़ी थी। आप देख रहे हैं बहुत ही कदीमी जो है ना ये कब्रिस्तान है, और ये मेरे अबू जान की कब्र है। अल्लाह पाक मेरे अबू जान को जो है ना जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरे अबू जान को अल्लाह पाक सगीरा व कबीरा गुनाह मेरे अबू जान के माफ़ करे। या अल्लाह पाक, ये जो है ना मेरे अबू जान है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे अबू जान की कब्र है। मेरे अबू जान को अल्लाह पाक जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो है ना सब कोई जो है ना अल्लाह पाक मगफरत करे उनके सदक़े। मेरे अबू जान की भी अल्लाह पाक मगफरत करे। ये आप देखें बड़ा कदीमी जो है ना कब्रिस्तान है। ये देखें, ये भी तो घास बड़ा हो गया है क्योंकि ये बरसात पड़ी हुई थी, लेकिन ये बहुत ही कदीमी है। ये जो वो है मेरे चाचू जान है हाजी ग़ुलाम अली लगारी, और वो मेरी चाचू की जो है ना घरवाली है साइड में, और ये अबू जान है। ये जो कब्र हैं ये भी मेरे अपनों के हैं, इनमें जो है ना मेरे भांजियाँ हैं, भांजे हैं, और जो है ना चाचे हैं, मासियाँ हैं, ये भी मेरे अपने की है। ये भी देखें माशाल्लाह, यहाँ भी फूल वगैरह लगाए हुए हैं, ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ये सारे जो हैं मेरे अपने हैं। उधर वो अबू साइड है, लेकिन चाची चाचियाँ मामी जो है ना भांजे भांजियाँ और जो है ना भाई जो मेरे बाप के जो कज़न है वो भी यहीं पे हैं। ये अली अहमद, ये मेरा भांजा था, अल्लाह पाक इसकी मगफरत करे, अल्लाह पाक इन सब की मगफरत करे। ये भी आप सामने देख रहे हैं, ये भी चाचू का सोबो खान। तो दुआ करें अल्लाह पाक इन सब की मगफरत करे अपने अपने महबूब के सदके, आमीन। हे भैया, हम जो है ना फंस गए सिलो वाले ना चढ़ने ही गाड़ी। ये देखें पैसे देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज भी खैर से पढ़ ली, अभी जो है ना जुम्मे नमाज भी पढ़ के आए, अभी दरगाह से भी होके आए, तो अभी शाम का टाइम हो गया है। तो रेस क्या नाम है, गुलनवाज, रेस गुलनवाज भी हमारे साथ बैठा है, कोई हाथ पिलाओ। ये भी हमारा भाई है, इसने भी YouTube पे चैनल अभी बनाया नहीं बनाया नहीं, इसने अभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने बनाया, तो मैंने वीडियो आपको दिखाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रेस ऐसे ना सही सब्सक्राइब करें ना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। हाँ, थैंक यू, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।